जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया। सर, मंत्री ने कहा गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि दरअसल गुनाहगार कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद सरकार है, सरकार के फैसले हैं, सरकार की नीतियां हैं, सरकार की अनदेखी है, और यह सब कुछ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि 5-5 रिपोर्ट पर बातें टिकी हुई है, तो फिर सरकार को गुनाहगार माना जाए या ना माना जाए, या सीधे कह दिया जाए जी नहीं, हम इंतजार करेंगे रेल मंत्री का जो बताएंगे गुनाहगार कौन है। लेकिन रेल मंत्री बताएं और रेल मंत्री को हम खुद गुनाहगार के तौर पर बताएं और देश के प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड और रेल की नीतियों को लेकर सवाल खड़ा करें तो 5 घटनाएं पहले आपके सामने रख देते हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 की, जो दिसंबर 2021 तक है, उसमें ऐसा क्या लिखा गया है जिससे यह सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। उसके बाद है 2 महीने पहले की रिपोर्ट, यानी 2 या 3 महीने कहिए, 9 फरवरी 2023 को साउदर्न वेस्टर्न रेलवे ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से लगता है कि जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ है उसके जानकारी तो दरअसल फरवरी में ही लग चुकी थी। तीसरी रिपोर्ट है रेलवे बोर्ड ने पिछले महीने क्या कहा कि क्यों पद खाली पड़े हैं और सेफ्टी का एक बड़ा हिस्सा खाली पदों से जुड़ा हुआ है, लोग आ जाएंगे तो कम से कम ट्रैक की निगरानी तो हम कर पाएंगे। चौथा हिस्सा है राज्यसभा में ही खुद कहा गया रेलवे मंत्री के जरिए कि 3,12,000 पद खाली पड़े हैं, इन्हें भरना तो जरूरी है। और पांचवी बात है वो पार्लियामेंट्री कमेटी, रेलवे की पार्लियामेंट्री कमेटी की वो रिपोर्ट 323वीं रिपोर्ट, जो बहुत साफ कहती है कि इस देश के भीतर में जो रेलवे सुरक्षा आयोग था, जो सिक्योरिटी के लिहाज से रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदारी उसकी थी, जो देखता था और बताता था किस ट्रैक पे कौन सा सिस्टम है, और अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है सिक्योरिटी को लेकर तो रेलगाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन उस रेलवे सुरक्षा आयोग के सारे पावर ही खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पीजी वेंकटेश, जो की बीजेपी के सांसद हैं, और उसके अलावे पार्लियामेंट्री कमेटी के 60% लोग बीजेपी से आते हैं, सभी ने चिंता व्यक्त की ऐसा होना नहीं चाहिए, सरकार ने अनदेखी कर दी। यानी एक ऐसी परिस्थिति रेलवे को लेकर खुले तौर पर नजर आती है कि सरकार अगर कोई गलत फैसला ले और सरकार की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट की जांच भी वही सरकार करेगी जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि बालासोर को लेकर जो रेल मंत्री कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री कह चुके कि दरअसल बख्शा नहीं जाएगा, तो इस देश की जनता किसे बख्शे या ना बख्शे। एक एक करके इस रिपोर्ट को परखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिसमें हर एंगल पर ध्यान दिया जाता है, उस रिपोर्ट की दिशा में कदम जरूर बढ़ाइए। और पहली रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के जरिए बात को आगे बढ़ाते हैं, यह 2022 की रिपोर्ट है और इसमें डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवे के भीतर की इस रिपोर्ट को सामने रखा गया। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक का पूरा खाका जो बताते हैं उसमें बहुत साफ है कि जो भी ट्रैक की रिकॉर्डिंग कार होती है और जो ट्रैक मशीन जो बेकार पड़े हुए हैं उसकी वजह से ट्रैक तक का निरीक्षण कर पाने की स्थिति में इस देश के अलग अलग जोन्स में 30% से लेकर 100% तक की कमी आ गई है। यानी निगरानी अगर 10 बार होनी थी तो कुछ जगहों पर 3 बार हो रही है, कुछ जगहों पर 10 बार होनी थी तो 1 भी बार नहीं हो पा रही है, वहां की स्थिति क्या होगी। और ट्रैक निरीक्षण ना हो तो उसके बाद डिरेलमेंट होता, डिरेलमेंट इस दौर में 1,149 बार हो गया, उसमें से जो एक्सीडेंट की परिस्थिति में जाकर तब्दील हो गया यह भी लगभग 50% के करीब आता है। तो क्या सरकार ने अनदेखी की, क्योंकि 1,129 डिरेलमेंट का जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में 1,149 का जिक्र करते हुए है। यह भी जिक्र है कि इससे लगभग 32,96,00,000 रुपए का नुकसान हो गया रेलवे को। और यह भी इस बात में जिक्र है कि अगर मेंटेनेंस की वजह से ट्रैक पर एक्सीडेंट होते हैं तो 171 केस जुड़े हुए हैं, जो ट्रैक पर जो पैरामीटर्स हैं अगर उसको आप नहीं लागू कर पाते हैं तो 156 केस ऐसे हैं। अगर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है और गड़बड़ी है तो उसकी वजह से 182 केसेस निकल कर आते हैं, और जो लोको पायलट्स हैं उनकी भी मौजूदगी ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ऐसे में 154 केस निकल कर आते हैं। और तो और चेताया तो इस बात को लेकर भी गया कि दरअसल जिस तरीके से कोई एक्सीडेंट होता है, डिरेलमेंट होता है, उसको लेकर जो जांच कमेटी बनती है उसमें 63% तक जांच कमेटी रिपोर्ट देती ही नहीं है।
49% में तो कोई डेडलाइन ही नहीं है कि डेडलाइन होगी नहीं होगी, कैसे होगा क्या होगा। शायद इसीलिए एक नजर सबसे पहले डालिए इस बात को लेकर कि दरअसल सीएजी की रिपोर्ट के भीतर लिखा हुआ क्या है। डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवे, यही है सीएजी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के भीतर बहुत ही कैटेगरली बतलाया गया है कि रेल सेफ्टी और दुर्घटना से बचने के बेसिक टारगेट तक को सरकार पकड़ नहीं पाई। और अगर हर पन्ने को पलटना शुरू कीजिएगा तो उसमें शुरुआत में ही है कि पैसे जो खर्च हो रहे थे वो नन प्रायोरिटी पर ज्यादा थे, यानी प्रायोरिटी वाले वर्क पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और 2017 से 2021 तक के बीच में 10 में से 7 रेल दुर्घटनाएं ट्रेन डिरेलमेंट की वजह से होती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, यानी 100% शून्य। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो है इसमें फंडिंग कम होती चली गई और स्थिति ऐसी आ गई कि लगभग 79% फंडिंग कम हो गई। जो 20,000 करोड़ रुपए होनी थी वह भी कम हो गई और 15,000 तक गायब हो गया। ट्रैक रेनुअल वर्क्स जो होता है उसकी राशि, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कमी आ गई। रिस्क कंट्रोल में भारी छेद है, कोई सिस्टमेटिक मैकेनिज्म नहीं है, डिरेल रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक्सीडेंट रुके कैसे। जांच जो हो रही है रेलवे एक्सीडेंट के बाद उसमें से लगभग 50% की कोई डेडलाइन नहीं है। स्टाफ ऑफिशियल्स की कमी है, सेफ्टी के क्षेत्र में ट्रैक मॉनिटर में और मेंटेनेंस में सबसे कम वक्त दिया जा रहा है। ट्रैक इंस्पेक्शन होता ही नहीं है और 350 केस में होना था तो 181 में हो पाया। और 4 बरस में 217 एक्सीडेंट में से 162 एक्सीडेंट जो है उसके पीछे डिरेल्ड था। अगर इस सीएजी रिपोर्ट को एक लाइन में कहा जाए तो बहुत साफ है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट के जरिए बता रही है, अगर इसके तहत आपने पहल की शुरुआत नहीं की तो इस देश के भीतर जो भी रेल का एक्सीडेंट होगा वह तो एक आपराधिक कार्रवाई के तहत माना जाए, क्योंकि समूचा कच्चा चिट्ठा तो आपके सामने हमने दे दिया कि 10 में से 7 रेल दुर्घटना की वजह ट्रेन का डिरेलमेंट होता है और डिरेलमेंट की वजह रेलवे ट्रैक होती है और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तो दूर, मॉनिटरिंग तक नहीं कर पाते हैं, यानी सेफ्टी आपका शून्य है। पैसा आप देते नहीं हैं, जो पैसा होता है उसको दूसरे यानी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं जिसकी उपयोगिता है नहीं, और जहां पर जरूरी है वहां पर आप पैसा लगाते नहीं है। पहली रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर सीएजी एक लकीर खींचती है। यहीं से दूसरी रिपोर्ट शुरू होती है। यह रिपोर्ट इसलिए कहीं ज्यादा भयावह है क्योंकि यह साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन की रिपोर्ट है, जो अपने तौर पर बहुत साफ कह रही है कि दरअसल जो घटनाएं हो रही हैं और जिस दिशा में पिछले दिनों इंटर सिग्नल व्यवस्था यानी सिस्टम जो पूरे तरीके से खराब है, और जो नजारा मैसूर में नजर आया वहां पर दो रेलगाड़ियां टकराते बच गई, तो उसकी वजह यही थी कि जो इंटर सिग्नल सिस्टम है वह किस तरीके से, जो लॉकिंग सिस्टम होता है वह भी गड़बड़ है। और यही बात बालासोर को लेकर रेल मंत्री कर रहे हैं और वहां उन्होंने बकायदा मिनट्स का जिक्र किया है, किस तरीके से कितने बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका नंबर 12649 है, वह होसा दुर्गा रेलवे स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन BTPN लोको नंबर 12664/703-98 है, दोनों टकराने वाली थी। यह तो अच्छा था कि लोको पायलट अलर्ट था। लोको पायलट के अलर्ट होने का मतलब बहुत साफ है कि अगर वो शख्स वहां पर नहीं होता तो फिर ये एक्सीडेंट हो जाता। और इसी बात का जिक्र अपने तौर पर रेलवे बोर्ड भी करता है कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति है कि सेफ्टी की दिशा में लोगों की भर्ती हो नहीं पा रही है। लेकिन उस दिशा में जाएं उससे पहले इस दूसरी रिपोर्ट को देखिए जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा लिखी गई 8 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है। और महज एक पन्ने की यह रिपोर्ट प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा लिखी गई, जिसमें बहुत साफ तौर पर जिक्र है कि इंटर सिग्नल व्यवस्था किस तरीके से खराब है, और अगर लोको पायलट अलर्ट ना होता तो उस वक्त संपर्क क्रांति और दूसरी तरफ जो गुड्स ट्रेन थी BTPN लोको नंबर 12664 ये दोनों टकरा जाती, और ये होसा दुर्गा जो मैसूर में आता है वहां की ये घटना है। और इस लेटर में इस बात का भी जिक्र है कि दरअसल ये पूरा सिस्टम कैसे फेलियर है, और ध्यान दीजिए बालासोर में यही हुआ है, ये सिस्टम फेलियर है और सरकार ने कह दिया कि दरअसल हमें गुनाह पता चल गया, गुनाहगार पता चल गया। लेकिन इसके एक एक शब्दों को अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत टेक्निकली जानकारी दी गई है कि लोको पायलट तक भी नहीं होता है, यानी टेक्नोलॉजी फेल तो व्यक्ति नहीं है, और इस अवस्था में अगर एक्सीडेंट देश भर में हो तो क्या हो। यह रिपोर्ट बहुत साफ बतलाती है कि जिस तरीके का बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जो वजह है वह इस देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है, क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम है अगर ये फेल हो चला है जो कि नजर आया बालासोर के भीतर, तो गुनाहगार है कौन।